नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी तो हमारे इधर बहुत बारिश हो रही है। लगभग कल 2 दिन हो गया, 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो काम वाम कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा। तो देख सकते हो, हमने यहाँ पहले हमारा बरसीम और चरी लगी हुई थी, तो इसको पूरा रोटरी से रोटावेटर से पूरा हमने प्लेन कर दिए, जोतवा दिए। उसके बाद जो बैलों की सहायता से इसको पट्टा मार दिए ना, प्लेन कर दिए। और वो जो बचा है कोने में, वो देख सकते हो हरा हरा, तो नेपियर है। नेपियर हमने सोचे उसको उखान खोद देंगे, लेकिन हमने बोले कि वो जितना जम गया है, उसकी जड़ी जितनी अंदर पहुंच गई है, अगर हम उसको खोदेंगे तो और ज़्यादा यानी अब लेट हो जाएगा कि उसको फिर से और लगाना पड़ेगा खोद कर। तो हमने बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रख देते इतनी जगह को। और इतने में हमको लगाना था नेपियर, तो हमने इसको प्लेन कर दी बढ़िया। और देख सकते हो ये नेपियर की स्टिक, मुझे नहीं लगता कि पूरे इसमें हो जाएगी। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने बोरी में रखे थे इसको, तो बोरी में रखने के कारण देख सकते हो आप, ये अभी ही बोरी के बोरी में ही ये जो है इसकी फुटान निकल गई है। तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए कि अब हम दे कि हम जैसे बता दूँ, ये वाली स्टिक है, ये सिंगल आँख वाली है, तो ये नहीं आई तो हम इसको नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें आ गई तो इसको हम ज़रूर लगाएंगे। तो हमको पता है कि ये इसका जो है सक्सेस रेट यानी उग ही जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी उगने में। तो ये देख सकते हो बहुत, हमने जो बोरी में रखे वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमको पूरा ये देखो वो सफ़ेद सफ़ेद जड़ी निकल गई। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमने बोरी में रख दिए थे, ऐसी प्लास्टिक की पन्नी बोरियों में, तो वो अच्छी अंकुर फुटान हो गई है। और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं लगाते हुए वीडियो डालना चाहता था, लेकिन मैं अकेला ही हूँ यहाँ, कि कोई वीडियो नहीं बना रहा है, तो इसलिए मैं लगाने के बाद में फिर इसको आगे का वीडियो मैं ज़रूर बताऊँगा। इतनी जगह है, लगभग यहाँ 20 डिसमिल की जगह है, 20 से 25 होगी, तो इतने में शायद नहीं होने की। तो भाने गाँव में और है कोई गौशाला है वहाँ, तो वहाँ पर अगर मिल जाए तो वहाँ से हम ला लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में।